जहां पठानकोट में एक तरफ लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन ठगी करके लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ाने के साथ ही अब छात्र ठगों द्वारा व्यापारियों को विभागों के अधिकारी पर डरा धमकाकर लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रेलवे रोड स्थित ग्रोसरी स्टोर का कारोबार करने वाले स्टार मार्ट के मालिक नवीन मल्होत्रा के साथ घटित हुआ। हालांकि ठगी का शिकार होने से बच गए, लेकिन पठानकोट व्यापार मंडल द्वारा इस पर गहन चिंता करने हेतु एक बैठक बुलाई। अज सवेरे एक फोन आया जी, एक उन्हें अपना सिविल हॉस्पिटल तो बोलने वास्ते कहा कि मैं सिविल अस्पताल तो बोल रहा जी, फूड इंस्पैक्टर, कि तुहाडी दुकान तो एक कोई मैडम समान लैके गई सी, उहदे बारे कंप्लेंट है। पर बाद चो जो अभी तत्काल सारी जानकारी की, फिर पैसे तो आ गए कि सानू पैसे दे दो, तो असी पूरी उहदी जांच की, तो वह सारा सिस्टम फेक पाया गया, वो फ्रॉड सी। डिमांड कर रहे जी पैसे की, कि तुहाडी दुकान तो समान लिता है तो ठीक नहीं सी, तो तुसी साडे नाल मिसबिहेव तो बोले हो, इस वास्ते सानू इस चीज़ की पेनल्टी दो, या तुहाडी शॉप बंद कर देंगे 2 महीने वास्ते। 18,920 रुपये हाँ, अपने वाइफ कहते हसबेंड का अकाउंट है जी साडे का, सीधे तुम पैसे पा दो, 5 मिनट के पैसे पा दोगे तो नहीं है तो तुहाडी साइट बंद कर दी जाएगी, 2 महीने वास्ते दुकान सील कर दी जाएगी। दुकान का नाम क्या? मेरी दुकान का नाम स्टार मार्ट है जी, केयर ऑफ बालक राम रोशन लाल, रेलवे रोड पठानकोट। मैं पब्लिक डिपार्टमेंट तो ही मांग कर रहे हैं जी, जी फेक चीज़ा ने इतने रोक लगी जाए। देखो जी, ये साढ़े कैशियर पठानकोट व्यापार मंडल के नवीन मल्होत्रा जी, जिन्हों के नाल चीटिंग होने लगी सी, तो परमात्मा की कृपा के नाल ही, कोई चतराइया बहादरिया के कारण नहीं, परमात्मा की कृपा सी कि ये सिलसिला बच गया। पूरा पठानकोट परमात्मा की कृपा उपर ही बैठे दा, अपन चतराइया बहादरिया उपर किते नहीं है। ये शरारती लोग, ठग लोग, किसी भी तरीके ठगन नू तैयार है, पठानकोट शहर नू नहीं, सारियां नू ही। परसों जो जी अखबार च खबर आई थी कि छत्तीसगढ़ के कि पिंडां दे विच जिथे कभी कच्चे मकान नहीं भी सी, उत्थे 5-5 मंजिला इमारतां पर बना के ये ठग लोग उत्थे बह गए देना। मेरी तो यह बेनती है प्रशासन अगे कि भी जिस तरीके की वो फोन च गलबात करते पे सी, वो लोकल आवाज़ नहीं सी, वो पंजाब की आवाज़ भी नहीं सी लगती पी, वो आवाज़ दूर दरडे की सी। उस आवाज़ तो मैनू अंदेशा ही लगता पाया कि साढ़े पठानकोट शहर के बीच भी अनपछाते लोग रेहड़ियाँ लगा के, नारियल दी रेहड़ियाँ लगा के, गोल गप्पियां दी रेहड़ियाँ लगा के, कई तरीके के सिलसिले अपना के इत्थे बैठे दे रहे। असी प्रशासन अगे पहला भी मंग की सी, असी फिर मंग कर रहे हैं प्रशासन अगे, कृपा करके उन्होंने अपने कोल बुलाओ, रिपोर्ट करो, उन्होंने आधार कार्ड, उन्होंने सारा कुछ चैक करो कि वाकई वो ऑथेंटिक बंदे ने कि गलत बंदे ने। और नाल दे नाल मेरी ऑफिसर साहबान के अगे बेनती है कि भी एक असी तुसीं कल सच्ची सुची फोन कर दो, तो अगों दुकानदार उल्टा पै जाए, तो ये एक व्यवस्था बिगड़ती है। सारे सिस्टम नूं ठीक चलाने के वास्ते ये जरूरी है कि भी अफसरां दा ते दुकानदारां दे विचकार एक कोआर्डीनेशन तारतम्य बने, ताकि ठीक तरीके नाल व्यापार भी होए ते ठीक तरीके नाल समाज भी चले। मेरी बेनती प्रशासन अगे है कि कृपा करके तुसीं तुरंत एक्शन चाहो, तो एक्शन चाह के साडा सहयोग तुहानूं जिथे चाहिए उत्थे लवो, पर अनपछाते बंदियां नूं उपर एक किस्म दा एक सख्त डंडा कस के रसा पा के उन्होंने इतों की जान, तो उन्होंने सही तरीके बसाओ, नहीं तो उन्होंने को बाहर जाओ, उन्होंने पेमेंट कर दें। मीन टाइम मैं SMO साहब ना गल करनी, वो कहते जिहड़ा भी बंदा आता उन्होंने बिठा के रखो, फिर पुलिस कंप्लेंट करिए। तो मैं ITO अनीश जी है उन्होंने गल की, वो कहते साढ़े इतने कोई रोशनी मैडम नहीं है, कोई आता उन्होंने बिठाओ तो सानू भी बुला लो, पर उन्होंने आए नहीं। उस तो बाद उन्होंने साडा फोन चुकना भी बंद करता। साड़ी प्रशासन अगे तो सारे व्यापारियों अगे खास करके यह अपील है कि सारे सूझवान बनो, कोई यहोजा कॉल आता, क्योंकि अजकल वेली जनता बहुत है, उन्होंने कोल काम कोई है नहीं, कोशिश करते दिन के 100 कॉल करते, कोई 2-4 बंदे बेचारे फस जाते हैं, तो कोई भी गल कोई फोन आता, जेडे अफसर है साढ़े इतने पठानकोट लगे हुए, बड़े अच्छे ईमानदार अफसर है, असी घबराइए ना, उन्हें कहिए अफसर भी मेरी दुकान पर आ जाओ, उत्थे बह के गल करते हैं, सानू फोन करो, व्यापार मंडल तुहाडे नाल हर वेले खड़ा।